उत्तम नगर में एक प्रॉपर्टी कारोबारी के घर में डकैती डालने वाले चार बदमाशों में से दो बदमाशों को आज स्पेशल स्टाफ ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। पुलिस की फायरिंग में एक गोली बदमाश के पैर में लगी। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अब दो बदमाशों को धर दबोचा है, जबकि इनके दो और साथियों की तलाश जारी है। संतोष कुमार मीणा डीसीपी द्वारका ने बताया कि 7 जुलाई को उत्तम नगर केजी ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी कारोबारी के घर बिजली कर्मचारी बन बदमाश घर में दाखिल हुए थे। दाखिल होते ही बदमाश ने महिला के ऊपर पिस्टल तान दी थी। बदमाशों के हाथ में चाकू भी थे। कुल 4 बदमाशों ने घर के सदस्यों के हाथ पैर टेप से बांध दिए और नकदी व आभूषण लेकर फरार हो गए थे। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीमा शौर्य पत्नी विनोद शौर्य की शिकायत पर एफआईआर संख्या 531/21 अंडर सेक्शन 392/397/34 में दर्ज कर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों के दिल से अपराधियों का डर निकालने के साथ साथ लूट में शामिल सभी बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाना था। अपराधियों पर सिकंजा कसने के लिए विजय सिंह एसीपी स्पेशल स्टाफ की सुपरविजन और तेजतर्रार इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में एसआई नानाग्राम मीणा, एसआई जयवीर सिंह, एएसआई उमेश कुमार, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल राजकुनर, कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल विपिन कुमार, कांस्टेबल जगदीश, कांस्टेबल मोहित ग्रेवाल, कांस्टेबल राजीव और कांस्टेबल उपेंद्र की एक टीम बनाई गई। केस को क्रैक करने के लिए टीम के सभी सदस्यों को अलग अलग काम सौंपा गया। टीम ने सैकड़ों मुखबिरों का जाल बिछाया, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली, केस की मोडस ऑपरेंडी को दूसरे केसों से कंपेयर किया। हाल ही में सदर बाजार में सेम मोडस ऑपरेंडी पर हुई डकैती से जांच टीम को एक ब्रेक थ्रू मिला। दोनों वारदातों में शामिल बदमाशों की कद काठी और मोडस ऑपरेंडी लगभग एक समान सी थी। जांच टीम की मेहनत रंग लाई। उत्तम नगर और सदर बाजार डकैती में शामिल दो सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया। दोनों सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए जांच टीम ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। दिल्ली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये बदमाश उत्तम नगर टर्मिनल के पास से गुजरने वाले हैं। पुलिस ने इनपुट के आधार पर 11 जुलाई की सुबह लगभग 5 बजे उत्तम नगर बस टर्मिनल के पास 100 फुटा गंदा नाला रोड नर्सरी पार्क गेट पर अपना ट्रैप लगा दिया। इस दौरान बाइक सवार दो लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। एक गोली हेड कांस्टेबल राजकुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जवाब में पुलिस की ओर से भी गोली चली। पुलिस की फायरिंग में एक गोली बदमाश अंकुश के पैर में लगी, जबकि दूसरे को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। इंटरोगेशन के दौरान बदमाशों ने बताया कि शिकायतकर्ता का एक कर्मचारी जिसका नाम दीपांशु है, उसने ही अपने मालिक के घर में नकदी और जेवरात की जानकारी उन्हें दी थी। आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ने दीपांशु पुत्र रविंदर कुमार, निवासी बर्तन मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अंकुश, मुकुल और दीपांशु उर्फ वाशु के रूप में हुई है। 23 वर्षीय आरोपी अंकुश पुत्र लक्ष्मण प्रसाद सदर बाजार नई दिल्ली का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले से ही एक मामला थाना कोतवाली में अंडर सेक्शन 392/411/34 के तहत एफआईआर संख्या 361/19 दर्ज है। 24 वर्षीय आरोपी मुकुल पुत्र छतरपाल निवासी लालबाग आजादपुर का रहने वाला है। इसके खिलाफ भी पहले से ही एक मामला थाना अंबेडकर नगर में अंडर सेक्शन 302/34 के तहत एफआईआर संख्या 565/18 दर्ज है। 21 वर्षीय आरोपी दीपांशु उर्फ वाशु पुत्र रविंदर कुमार बर्तन मार्केट सदर बाजार का रहने वाला है। इसके खिलाफ उत्तम नगर और सदर बाजार में दो अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनसे एक पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 3 खाली कारतूस, एक बटनदार चाकू और एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल जो की चोरी की है, जिसकी एफआईआर संख्या 015873 21 दिनांक 17 जून 2021 अंडर सेक्शन 379 के तहत थाना विकासपुरी में चोरी की रिपोर्ट दर्ज है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। 7 तारीख को रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था, होम रॉबरी का, जिसमें चार फोर असेलेंट थे। उन्होंने गन पॉइंट पे केवल 7-8 लाख रुपए और 5-6 ज्वेलरी का आइटम्स थे वो रॉब किए थे, और उसमें से जो एक स्ट्रक्चर उसको उन्होंने टाई भी किया था, वेपन को भी उसने ब्रैंडिशन किया था। और सब्सिक्वेंटली हमारी टीम जो है उसको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरीके का इंसिडेंट एक सदर बाजार में भी हुआ। उसके बेसिस पे वो एक उनके जो हाउस के ओनर हैं मिस्टर विपिन,
उनके घर के साथ में जो ऑफिस में काम करता है उसके बेसिस पे वो लिंक कर पाए दोनों रॉबरी एक है और एन सी एस का लिंक हो उससे कटे हुए इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करने में कामयाब रहे। और आइडेंटिफाई करने के बाद से हम इनके पीछे लगे हुए थे और आज सुबह तकरीबन 5 बजे का इंसिडेंट है जिसमें हमने अंकुश और मुकुल ये दोनों जो है आ रहे थे और मोटरसाइकिल पे थे हमने उनको हमारे जो स्पेशल स्टाफ की टीम ने उन्होंने ट्रैप लगा रखा था वहाँ पर और उन्होंने जो है ट्रैप के दौरान जब उन्हें रोकने की कोशिश करी तो रुके नहीं और इन्होंने फायर किया इन्होंने एक राउंड फायर किया जो कि कॉन्स्टेबल है हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम ने उसके जैकेट को लगा जब बच पाया और दूसरा हमने फिर रिटेलिएशन में दो राउंड फायर किए तो उसमें से एक राउंड जो है अंकुश को पैर में लगा में क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना न भूलें।